दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं क्या आप अपने किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर अपना फोटो आप पे सेट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने स्मार्ट वॉच के अंदर अपना फोटो लगा के रखा हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे पास ये स्मार्ट वॉच जो है, ये हमारे पास बोट कंपनी का है। तो अगर आपके पास बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच है और उसमें अपना फोटो आप लगाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा और तभी अपने स्मार्ट वॉच के अंदर अपना वॉलपेपर आप सेट कर पाएंगे। वैसे तो इसमें आपको वॉलपेपर सेट करने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है। बस आपको अपने स्मार्ट वॉच के अंदर आपको इस लंग स्वाइप स्वाइप करना होगा। सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर देंगे और यहां पर मिलेगा वॉच फेस। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपके सामने बहुत सारे वॉलपेपर निकल कर आ जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जो भी आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, बस आपको उस पर एक बार इस तरीके से क्लिक कर देना होगा और आपके मोबाइल यानी कि आपके वॉच में वही आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन फोटो को सेट करने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा प्रोसेस अलग होता है फोटो को सेट करने के लिए। फोटो को सेट करने के लिए आपको अपने सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या अपने मोबाइल फ़ोन में आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस QR कोड पर क्लिक करेंगे और इसे आप स्कैन कर लीजिए, तो आपके मोबाइल में स्कैन हो जाएगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। या दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का हम लिंक दे देंगे। जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको ऐप लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइक करने का, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा या नया तरीका आएगा तो हम आपको फिर से बता देंगे। और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनको अभी तक नहीं पता है। तो अब यहाँ से बैक आ जाइए, अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। इस तरीके से वह एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास OTP आ चुका है, चलो हम यहाँ पर इसे अलाउ कर देंगे और OTP हमारा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेम आ जाएगा, आप अपना एक बार यहाँ पर नेम आप डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। तो चलो हम यहाँ पर अपना नेम डाल देते हैं, जो हमारा नेम है इस तरीके से। यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, तो अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर जरूर डाल देना, तो हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर रिट्री मिल जाएगा, रिट्री पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा नोटिफिकेशन का, इसे आप चालू कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ से आप बैक आ जाइए, अब आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से। अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा आपका यह एप्लीकेशन। अब आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन में सारी की सारी परमिशन को अलाउ करिए और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, सेटअप पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो भी वॉच होगा, यानी कि जो आपका ये वॉच है, इसका नेम आपके वॉच के कवर पर होगा, यानी कि जो आपको बॉक्स मिला होगा उसमें आपका लिखा होगा इसका नेम। तो हमारा जो वॉच है, हम आपको अभी बताते हैं, स्ट्रॉम के नाम से हमारा वॉच था, तो देख लेते हैं। यहां पर अभी हमें मिल जाएगा स्ट्रॉम के नाम से जो वॉच यहाँ पर आया हुआ है, वो हमारा वॉच है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रॉम कॉल, हम इस पर क्लिक कर देंगे और सेटअप पर क्लिक कर देंगे और आई एग्री कर देंगे। इनेबल ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे, हमारा ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा वॉच निकल के आ जाएगा, यानी कि ये वाला वॉच आ चुका है। यहाँ पर स्ट्रॉम कॉल पर क्लिक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे, हमारा जो वॉच होगा कनेक्ट हो जाएगा और इसमें भी हमारे पास एक मैसेज निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप इसको आप स्किप करना चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बाद में भी अपनी सारी डिटेल डाल सकते हैं। चलो हम इसे स्किप कर देते हैं, जल्द से हम यहां पर स्किप करेंगे इस तरीके से।
और यहाँ पर स्टार्ट योर जर्नी पर क्लिक कर देंगे। अब इसका होम पेज आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको फोटो सेट करने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा माई वॉच, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। पर एक ऑप्शन मिलेगा वॉच फेसेस, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट ए वॉच फेस, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपलोड इमेज, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आपको अपने गैलरी को ले लेना होगा। गैलरी को लेने के बाद आपके गैलरी में जहाँ पर भी आपका फोटो हो आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना होगा। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ से हम एक अपना फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा फोटो स्टिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा सेलेक्ट, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको राइट बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इसे राइट कर देंगे आपका एक फेस बन जाएगा, यानी कि फेस वॉच का एक यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा वॉलपेपर। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट यहाँ पर वॉच फेस, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपका समय लगेगा और जो आपने फोटो को सेट किया है वो आपका फोटो अभी यहाँ पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको दिखाई देगा कि जो हमारा फोटो है वो यहाँ पर लग गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। बस आप ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर अपना वॉलपेपर में फोटो आप सेट कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करूंगा अब आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया था और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।